बीते दिन 5 राज्यों का चुनावी परिणाम सामने आ गया, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी को पछाड़ते हुए कांग्रेस अव्वल आई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव पे। जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद तुरंत बिहार, जो कि हॉट माना जाता है चुनाव रणनीति को लेते हुए, वहाँ NDA में सीट बंटवारा होगा। NDA में सीट बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन चुनावी परिणाम आने से पहले रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए खुद को NDA से बाहर कर लिया था। अब कुशवाहा के NDA से बाहर आते ही महागठबंधन ने अपना सीट फाइनल कर लिया है, और ड्राइविंग सीट पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे थे, ऐसे में लोकसभा सीट का बंटवारा करते हुए RJD ने अपने पास 15 सीटें रखी है। वहीं दूसरे नंबर पे एक बार फिर कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस को 12 सीटें मिली है। गौर करने वाली बात यह है कि इस दल में सबसे पहले जीतन राम मांझी आए थे, लेकिन जीतन राम मांझी को महज 1 सीट दी गई है। वहीं शरद यादव को जीतन राम मांझी से ज्यादा 3 सीटें दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें दी गई है, और कहीं ना कहीं अगर NDA में कुशवाहा होते तो ये 5 सीटें उन्हें नहीं मिलती। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है कि CPI को 4 सीटें दी गई है। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन के इस सीट बंटवारे से कौन सी पार्टी खुश रहेगी, या फिर जीतन राम मांझी जिन्हें 1 सीट दिया गया है वो कितने खुश नजर आते हैं। और भी नए खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ बिहार पे। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।